डाल दिए। ये किस चीज़ का पेस्ट है ये बताइए? ये प्याज है, ओनियन पेस्ट है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब मजे में होंगे। तो मैं दिवाकर। मैं अंकित। तो गाइज, आज का जो स्पेशल है वो है स्पाइसी एग करी विथ राइस ईटिंग चैलेंज। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 6 अंडे हमारे पास हैं और ढेर सारा राइस, और अंकित भाई के पास भी है 6 अंडे और ढेर सारा राइस, और हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने ले रखा है ढेर सारा ग्रीन चिली, जो कि खाया नहीं जाएगा। बिल्कुल, अंकित भाई को नहीं खाया जाएगा और मुझे खाया जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है गाइस, आपको ही पता होगा। आज जो हमारे साथ सरोज जी नहीं है, तो सरोज जी मिर्ची मैन है, बट उनके पीछे पीछे हम भी ये बनना चाह रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कभी ना कभी अगर मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती, आज ना कल मुझे भी सफलता मिलेगा ही। तो आज तो इनके सामने मुझे रोला जमाना ही है, क्योंकि इन्हें मिर्ची पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत पसंद है, तो मैं एक दो खाऊंगा ही। और यहाँ हर बार यहाँ ये रही हमारी ओनियन, यहाँ पे लगा लिया अपना टाइमर, और ये वाटर है गाइस। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मैं पहले बता दूं गाइस, आप लोग जो ये देख पा रहे होंगे, ये सीन जो है, ये हम लोगों ने इस पे कोलगेट लगा रखा है। रीजन ये है कोलगेट लगाने का, कि हमारा जो भी चैलेंज होता है वो अधिकतर हम लोग होममेड ही करते हैं, हर एक चीज हमारी होममेड होती है, हम लोग खुद से बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने अपना अंडा करी बनाने टाइम एक कांड हो गया हम लोगों के साथ। आप देख पा रहे हैं ये जो गर्म तेल होती है ना, इतना गर्म था गाइस, वो डायरेक्ट इस पे ही गिर गई। बस अंकित भाई ने कांड किया। ये रीजन ऐसा था, ये मसाला फ्राई कर रहे थे, मसाला आदमी हल्के से डालता है, इन्होंने ऊपर से ही छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ा, मैं शूट कर रहा था उस टाइम, डायरेक्ट इस पे तेल गई। तो आप देख सकते हैं, काफी फील मुझे हो रहा है, बट आप लोगों को भी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे हम लोगों ने कोलगेट लगाया, इससे जलन थोड़ी कम होगी। आप बताइए, आप लोगों के लिए हर एक चीज मुमकिन है, चाहे ये क्या ना और भी कुछ होगा वो भी हम करने के लिए तैयार है, बट फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी रहता है व्यूअर, हमारे व्यूअर को हर एक चीज बेस्ट दिखना चाहिए, है कि नहीं अंकित भाई? जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो है हमारे साथ चैलेंज करने अंकित भाई आए हैं, वो भी काफी समय बाद अंकित भाई हैं, हर बार कैमरामैन में रहते थे, आज जो है हमारे साथ चैलेंज कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ है, सरोज जी के सामने मेरा यहाँ रहता है, थोड़ी सी मतलब अंदर से रहता है कि लड़ेंगे, इनसे लड़ना है, इनके पास ये जब आते हैं चैलेंज करने, तो मुझे तो लगता है मैं बस मैच एक तरफा वाला, जिसे मुझे लगता है मेरे अंदर की फीलिंग जो है, आपको पता है मेरी कॉन्फिडेंस लेवल जो है 110% है, फिक्स है कि आज मैं ही जीतूंगा। मैच फिक्स नहीं है, बट मेरा माइंड ये कह रहा है कि जीतेगा तो तू ही। अब अंकित भाई पूछते हैं, अंकित भाई आज का जो है क्या स्ट्रेटजी बना के लाए, क्या अंकित भाई? मेरा भी आज 110% का कॉन्फिडेंस है जो मैं कि आज हार के जाऊंगा। वाह वाह, मतलब मैं तो पहले ही कबूल कर लिया कि ये हार के जाएंगे, कितना फनी लगा आपको पहले लगा होगा। मैं टक्कर बहुत तेज कर दूंगा, बट हार के जाऊंगा, ये तो पता है। स्पीड जो स्टार्टिंग की स्पीड होती है काफी प्यारी होती है, मतलब आप हम कहां हम इनके पीछे बहुत पीछे रहते हैं, बट जो लास्ट स्टेज पे आती है ना स्पीड इनकी जो स्लो हो जाती है। वो नहीं, वो 4x में चलती है ना उस टाइम मेरी वीडियो, अब वो जब धीरे 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 वो 0.5 पे आके अटक जाती है, इसलिए हम कहते हैं ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 110% का है कि आज हम हार के जाएंगे। मतलब इनका इतिहास यह है कि हर एक जगह जहां गए वहां हारते ही है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लेते, हमारी जो है शाही थाली रेडी है चैलेंज के लिए, और हम लोग भी पूरी तरह से रेडी है, क्या कि आप रेडी है? जी बिल्कुल, पूरा रेडी है, और चैलेंज देखते हैं कौन जीतता है, आप जी गाइस देखते रहिए और कौन जीतता है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते, आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम अपने कैमरामैन वाले भैया को बोलेंगे कि टाइमर स्टार्ट कीजिए, उसके बाद चलिए हम अपना टाइमर स्टार्ट, चलिए भैया टाइमर स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया, तो चलिए आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। देखने में तो काफी लजीज लग रहा है,
के चैलेंज में मैं जीता हूँ और अंकित भाई बस 34 सेकंड से आ रहे हैं, तो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आज का चैलेंज आप लोग काफी रुकिए 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 दिवाकर जी रुकिए 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 मुझे एक बात याद आई। क्या बताया जाए हमारे व्यूअर को? बताया जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बस ये दिखाने की चीज है। आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कुछ दिखाया जा रहा था। हाँ, मैं भी समझ गया। वो बताइएगा किस चीज पे हम बोल रहे हैं और क्या चीज दिखाया गया था, आप वो कमेंट करके। मैं भी समझ गया गाइस, आप अगर आप तो वीडियो देखे होंगे पूरा, आपको पता होगा। आप समझ गए तो आप कमेंट करके बताइए हमने क्या बताया था, क्या दिखाया गया। एक चीज ऐसा रखा हम लोगों ने इस चैनल में जो ओनली दिखाने के लिए था, खाने के लिए नहीं था। नहीं, दिवाकर जी आप हिंट दे दिए, आप हिंट दे दिए, आपको हिंट नहीं देना। हाँ चलिए कोई नहीं, आप हमारे व्यूअर है तो हिंट तो थोड़ा बहुत बनता है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से हिंट भी नहीं देंगे। तो चलिए, आपको पता अगर आपने पूरा अच्छे से वीडियो देखा होगा तो बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोगों ने आज बिल्कुल ट्राई नहीं किया है। और चलिए, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। हम दोनों से अगर इस वीडियो में कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पार्ट में कौन सी गलती हुई है, और कोई भी गलती नहीं हुई तो प्यारे से हाथों से प्यारा सा कमेंट टाइप कीजिए और हमें भेजिए। और गाइज एक चीज और लास्ट मेरा लास्ट है, इनके भी सुन लेते हैं एक बार। मेरा लास्ट है, एग करी तो बहुत ही स्पाइसी था, बट हंगरी दिवाकर का जो यूट्यूब चैनल का जो ये सब्सक्राइब बटन है वो बहुत मीठा है, प्लीज उसे जाके दबाए और मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना। इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, हमारे इंस्टाग्राम दी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है गाइस, वहां जाके हमें जरूर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैलेंज से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।